जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जान बल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जान रंजना यशोदानंदन ब्रज जान रंजना यमुना तीरवन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। मूकं
सर्वं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्ण। तो आज हम कक्षा में करेंगे सप्तम अध्याय भागवतम का प्रथम स्कंद सातवां अध्याय। हमने छठे अध्याय और पांचवें अध्याय में देखा कि किस तरह श्रील नारद मुनि व्यासदेव को अलग अलग चीजें, अलग अलग उदाहरण, अलग अलग सिद्धांत बता के ये स्थापित करते हैं कि व्यासदेव जो उन्होंने वेद पुराण का रचना किया, महाभारत का रचना किया, उसमें भगवान की गुण कीर्तन बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम कर दिए थे, जिसके वजह से व्यासदेव खुद अपने हृदय में आनंद उपभोग नहीं कर पा रहे थे। और नारद मुनि बताए व्यासदेव को कि आप ऐसा एक ग्रंथ का रचना कीजिए जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं में भगवान का गुणगान इतना तीव्रता से आप कीजिए, जिसको अध्ययन करके सारे जन साधारण जो कलयुग में आने वाले हैं उनको कली के प्रभाव से मुक्त मिलेगा। तो छठवें अध्याय में नारद मुनि इस तरह का उपदेश देके चले जाते हैं। सातवें अध्याय में सौनक आदि ऋषि जो सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं नैमिषारण्य में, आप सबको याद होगा हम प्रथम कक्षा में भागवत में ये बता रहे थे कि किस तरह सौनक आदि ऋषि भागवत के प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से कि कलयुग आ रहा है तो कलयुग में हमको क्या करना चाहिए और जन साधारण को क्या करना चाहिए ताकि उनका उद्धार हो। तो सौनक आदि ऋषि ये जब सुने कि नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया इसके बारे में कि भगवान के गुणगान करने के लिए, एक रचना करने के लिए ऐसा एक ग्रंथ जिसमें आदि अंत और मध्य में हरि सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान हो, भागवत ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें आदि में मतलब शुरू में, मध्य में मतलब बीच में और अंत में हरि सर्वत्र गीयते, हरि का ही गुणगान है, इसलिए भागवत वैष्णवानाम प्रियम, भागवत जो ग्रंथ है वैष्णव को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो आज हम सातवें अध्याय में देखेंगे कि सौनक आदि ऋषि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रथम स्कंद का सातवें अध्याय का पहला श्लोक उच्चारण करेंगे हम आज। सौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तद् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभु। सौनक उवाच निर्गते नारद सुता
सौनक पूछ रहे हैं, सौनक उवाच, निर्गते नारद सूता, हे सूत गोस्वामी, निर्गते जाने के बाद, कौन, नारद मुनि जाने के बाद, भगवान बादरायण, बादरायण मतलब व्यासदेव, व्यासदेव का और एक नाम था बादरायण, बदरी, बदरी, बदरी पेड़, बदरी का आश्रम, हम जानते हैं बद्री का आश्रम, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम, ऊपर वाला बद्री का आश्रम, लोग जाते हैं बद्री का आश्रम दर्शन करने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम, तो बद्री का आश्रम में व्यासदेव का आश्रम था बादरायणी। बद्री का आश्रम में जो अयन घूमते रहते थे, विचरण करते थे, बद्री मतलब एक पेड़, एक तरह का पेड़, उस बद्री का आश्रम में बहुत सारा बद्री का पेड़, बद्री मतलब बेर, अभी कैसे बताऊं बद्री, आप सब गूगल में सर्च कर लीजिए किस तरह बद्री पेड़ दिखता है, बेर का पेड़ है, बेर एक प्रकार की बेर है। बद्री का आश्रम में, व्यासदेव के आश्रम में बद्रा ये जो पेड़ है बहुत उगता था, इसीलिए बद्री का आश्रम कहा जाता था। और जो बद्री का पेड़ के बीच में या पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान मग्न रहते थे, उनका नाम हुआ बादरायण। अयन मतलब जैसे रामायण, राम का अयन मतलब राम का जो चरित्र, राम का जो जहां जहां घूमे फिरे के क्या के, क्योंकि ये बद्री का आश्रम में घूमते फिरते रहते थे और धरी उनका लीला होता था और उनका ध्यान मंग करते थे, क्लास लेते थे, सब कुछ करते थे, इनका नाम हुआ बादरायण। पर भगवान बादरायण ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव को भगवान के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि व्यासदेव भगवान की सख्ता वेश अवतार है। हम जब भगवान की अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, उधर जानेंगे कि किस तरह भगवान की बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से एक प्रकार के अवतार है सक्त्यावेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार इति सक्त्यावेश अवतार, मतलब भगवान अपना शक्ति किसी को देते हैं। व्यासदेव भी हमारी तरह जीवात्मा है, पर भगवान का शक्ति उनमें है। कौन सा शक्ति? लिखने का शक्ति, लिटरेरी इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा, व्यासदेव को ऐसे बताया जाता है, लिखने का शक्ति, शास्त्र लिखने का जो शक्ति भगवान का, जैसे लिखने के लिए शक्ति चाहिए, अच्छे से रचना करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, जैसे बचपन में जब मेरे को ऐसे लिखने के लिए बोला जाता था, रट्टा मार के किसी तरह ऐसे लिख दो, यू नो, तो इंट्रोडक्शन रहता है, कंक्लूजन रहता है, बॉडी रहता है, यू नो, गायक ऊपरी से क्या क्या लिखाते थे हमको, तो क्योंकि लिखना एक कला है, हर कोई लिख नहीं सकता अच्छे से, तो जैसे अलग अलग कला है, अंकन करना, ड्राइंग करना एक कला है, उस तरह लिखना एक कला है। तो भगवान की जो लिखने वाला कला का जो शक्ति है, व्यासदेव के अंदर संचारित किए थे भगवान, इसीलिए भगवान बादरायणी, क्योंकि भगवान का शक्ति उनमें है, इसलिए भगवान बादरायणी। तो सक्त्यावेश अवतार है। श्रुतवांस तद अभिप्रेतम, हमको ये सुनने में इच्छा हो रहा है कि भगवान बादरायण व्यासदेव ने नारद मुनि का उपदेश सुनने के बाद क्या किया। देखिए, उपदेश तो हम हर वक्त सुनते रहते हैं, गुरुवर्ग तो हमको उपदेश देख देख के कभी कभी थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि वो बाद में उपदेश देने के पहले बहुत बार सोचते हैं, अरे इतना उसको उपदेश दे दिया फिर भी ये कुछ किया नहीं। तो इसीलिए ततः किम अकरोत विभु, किम अकरोत, अकरोत मतलब क्या किया, ये बताइए क्या किया। उपदेश तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सौनक आदि ऋषि ये सोच रहे थे कि व्यासदेव ने इतना सब कुछ लिखा और नारद मुनि डायरेक्ट आके बोल दिए व्यासदेव को, आपने जो लिखा सब बकवास। समझ रहे हैं? आप मान लीजिए 10th में टॉपर हुए, 12th में टॉपर हुए, फिर बीटेक टॉपर हुए, फिर एमटेक में टॉपर हुए, फिर विदेश में जाके MIT में टॉपर हुए, और बहुत बड़ा उसके बाद एक बहुत बड़ा एक किताब लिखे, सब अपना जितना सारा एक्सपीरियंस, और आपको एक व्यक्ति आके बोलता है, आपके गुरुदेव आके बोलते हैं कि बकवास है, आपको कैसा लगेगा? आपका 30 साल का
मेहनत का ये थीसिस, MIT का थीसिस जो अभी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होके पेटेंट होके उसमें बहुत सारा पेटेंट हो गया है, वो MIT का थीसिस को आपको आके बोलेंगे आपके गुरुदेव, बकवास सब फेंक दो इसको, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो इसीलिए सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी को, उपदेश तो नारद मुनि ने बहुत अच्छा दिया, पर नारद मुनि का उपदेश सुनने के बाद क्या व्यासदेव उसको नम्रता से ग्रहण कर पाए? क्योंकि व्यासदेव कोई मामूली इंसान नहीं है, व्यासदेव ने महाभारत की रचना किया है। हम अभी महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और महाभारत अध्ययन में महाभारत के बारे में बताया गया है, महाभारत भारत उसका नाम था पहले, पर ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का ज्ञान को एक तोले में रखा और महाभारत को एक तोले में रखा तो महाभारत भारी हो गया। इसीलिए महाभारत जिसका भार बहुत ज्यादा है, जिसका ज्ञान का भार बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका नाम महाभारत तब से पड़ा। नहीं तो भारत, उसको भारत बुलाया जाता है, ये ग्रंथ को भारत पहले बुलाया जाता था, पर ब्रह्मा जी ने जब तोला कि वेद का ज्ञान और महाभारत का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान बहुत बड़ा हुआ, तब से ब्रह्मा जी ने उनका नाम, इस ग्रंथ का नाम महाभारत कर दिया। तो ये महाभारत है, तो इसका रचना करने के बाद जो देवलोक में इसका उच्चारण होता है महाभारत का, इतना सब कुछ करने के बाद व्यासदेव जब सुने नारद मुनि से कि आपने जितना सब कुछ किया सब बकवास था और आपको अभी भगवान ऐसा एक ग्रंथ लिखना पड़ेगा जो भगवान का गुणगान करे, तो क्या व्यासदेव इस उपदेश को नम्रता से ग्रहण कर पाए? क्या किए वो? ठीक है, चले गए, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। क्या ऐसे ऐसे करके व्यासदेव, ठीक है, नारद मुनि तो घूमते रहते हैं, सबको अपना शिष्य समझते हैं और मेरे को भी अपना शिष्य समझ गया, मैं तो भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे को भी शिक्षा दे दिया, घूम घूम के सब खाली शिष्य बनाने का काम है, कुछ तो काम धंधा नहीं, इतना अच्छा किताब लिखा, वेद लिखा, महाभारत लिखा, थोड़ा तो अप्रिशिएट करना था, बोला सब बकवास है, मेरे को और एक ग्रंथ लिखने को, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या ऐसे भाव से व्यासदेव उपदेश सुने अपने गुरुदेव नारद मुनि से या नम्रता से सुने? देखिए, अहंकार बहुत हमारे भक्ति में बाधा लेके आता है। हम जैसे ही हमारे जीवन में कुछ सक्सेस, जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, वो भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हो या फिर भौतिक जीवन में हो, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और व्यासदेव सप्तम अध्याय में ये दिखाते हैं कि किस तरह वो नारद मुनि का उपदेश को नम्रता से ग्रहण किए। मेरे गुरुदेव बताए हैं कि मैंने गलती किया है, ये सब खाली रचना कर दिया, जहाँ पे भगवान का गुणगान नहीं किया, मैं अभी भगवान का गुणगान करूँगा। तो ये नम्रता है, और जब हम इस नम्रता से आध्यात्मिकता भक्ति को ग्रहण करेंगे हमारे हृदय में, तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होके व्यासदेव से देखिए श्रीमद् भागवत का रचना करवाए। तो ये प्रश्न सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं कि किम अकरोत् विभु, हम ये जानना चाहते हैं क्या किए, क्या वो सही तरीके से उसको ले पाए उपदेश को, उपदेश को लिए तो क्या किए वो बताए। तो द्वितीय श्लोक, सुत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां, सरस्वत्यां, सब उच्चारण कीजिए, आपका कहाँ है शांतनु प्रभु? ओके, हाँ, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषिणां सत्रवर्धनः
ब्रह्मा नदी, ब्रह्म नदी सरस्वती, सरस्वती को ब्रह्म नदी कहा जाता है क्योंकि सरस्वती के तट पे अलग अलग ब्रह्म ऋषियों का आश्रम है, जैसे व्यासदेव का भी आश्रम है सरस्वती के तट पे। आश्रम पश्चिम तटे सम्य प्राश इति प्रोक्ता ऋषि नाम सत्र वर्धना। सुनने के बाद ऋषि नारद मुनि से सुनने के बाद व्यासदेव अपने आश्रम में चले गए और आश्रम में बैठ के ध्यान मग्न हो गए। देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, टिप्पणियों में बताते हैं, टीका में बताते हैं कि व्यासदेव हालांकि देखा जाए तो गृहस्थ थे, उनका बेटा सुखदेव गोस्वामी हुए तो व्यासदेव गृहस्थ थे, पर उनका घर को भी इधर क्या लिखा गया देखिए, आश्रम पश्चिम तटे। व्यासदेव को घर को भी आश्रम बताया गया है। जैसे कुछ कुछ भक्त लोग आते हैं अपने घर से बोलते हैं कि प्रभु जी आश्रम में, आपके आश्रम में सब ठीक है, तो कभी कभी लोगों का ये संशय होता है कि केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग ही आश्रम में रहते हैं, पर देखिए व्यासदेव भी गृहस्थ हैं पर उनका घर को भी आश्रम बताया गया है, क्योंकि आश्रम जो होता है शब्द, ये आश्रम शब्द को सही तरीके से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आश्रम ये नहीं कि पेड़ हो गया, कुटिया हो गया तो आश्रम बन जाएगा। आप पेड़ के नीचे, कुटिया के नीचे अगर रेडियो मिर्ची सुनेंगे और बॉलीवुड और हॉलीवुड का मूवी देखेंगे, आप कितना भी गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए और पेड़ के नीचे बैठिए, आपका जो कुटिया आश्रम नहीं कहलाएगा। आप कितना भी बैलगाड़ी में ट्रैवल कीजिए, आपका वैराग्य दिखाने के लिए और कॉपिन पहन के, धोती कुर्ता भी मत पहनिए, कॉपिन पहन के कितना भी बैलगाड़ी में ट्रैवल कीजिए और बैलगाड़ी में अलग अलग जितने सारे इधर उधर के चीजें हैं उसको सुनेंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, तो आपका वो वैराग्य कहलाया नहीं जाएगा। तो कुटिया है, आप शादीशुदा है या नहीं है, कुटिया में रह रहे हैं या फिर 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, उससे निर्धारित नहीं होता है कि ये आश्रम है या आश्रम नहीं है। तो क्या निर्धारित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अगर भगवान में आश्रय रखेंगे वो है आश्रम। आश्रम मतलब जो आश्रयति इति आश्रम, भगवान का चरण आश्रय जो प्रदान करे वो है आश्रम। जिस स्थान में रहने से, जिस स्थान से भगवान का आश्रय प्रदान प्राप्त हो सकता है वो है आश्रम। भगवान का चरण का आश्रय जिस स्थान में प्राप्त हो सकता है वो है आश्रम। तो वो स्थान खाली कुटीर नहीं होता है, वो स्थान एक गृहस्थ भक्त की घर भी बन सकता है। हम शादीशुदा होके भी हमारा घर आश्रम कहला सकता है, जिस तरह व्यासदेव का घर आश्रम कहलाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बद्री का आश्रम, तो हमारा 3 BHK आश्रम हो सकता है, 2 BHK आश्रम हो सकता है, 1 BHK आश्रम होता है, हम हमारा बंगलो भी आश्रम बन सकता है अगर उस स्थान को हम भगवान के सेवा में लगाएं और उस स्थान में जो भी रहें भगवान का चरण आश्रय आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उस स्थान में रहने से, तो वो स्थान आश्रम बन जाता है। और वही अगर कोई कुटिया में रह के हॉलीवुड बॉलीवुड का नाना रकम गलत गलत चीजें देखता है, तो कितना भी कुटिया में कॉपिन पहन के या फिर कोई कपड़ा नहीं पहन के नग्न अवस्था में भी रहे,
वैराग्य दिखाने के लिए बिना शादी करके वो उसका कुटीर आश्रम नहीं कहलाएगा। तो इसलिए आश्रम शब्द का प्रथम अर्थ है आश्रयति इति आश्रम, मुकुंद कृष्ण चरण आश्रय, जहां जिस स्थान में प्राप्त हो सकता है वो है आश्रम, वो है आश्रम। वो गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं या ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो हम सबको आश्रम शब्द सही से समझना चाहिए कि हम शादीशुदा होके भी हमारे घर को आश्रम बना सकते हैं अगर हमारे घर में सारे सदस्य, हमारे घर से सारे सदस्यों को कृष्ण का चरण आश्रय आसानी से प्राप्त हो सके। तो अब आश्रम, द्वितीय अर्थ है आश्रम का श्रम, मतलब श्रम परिश्रम, श्रम मतलब मेहनत, परिश्रम श्रम मेहनत। आश्रम मतलब जहां पे आपको मेहनत कम करना पड़े। क्या मेहनत कम करना पड़े? देखिए, हम सबका एक एक प्रकार की मन और बुद्धि और एक एक प्रकार की मनोवृत्ति है। किसी का मनोवृत्ति ऐसा है कि वो ब्रह्मचारी के हिसाब से, सन्यासी के हिसाब से रहना चाहता है। किसी का मनोवृत्ति ऐसा है कि वो शादीशुदा होकर रहना चाहता है। कि कोई सोचता है कि मैं अगर सन्यासी रहूंगा तो जीवन में श्रम कम होगा, लेबर कम करना पड़ेगा, बाप रे इतना सारा जंजाल, हरे कृष्ण। कोई सोचता है कि थोड़ा शादीशुदा होगा तो थोड़ा श्रम कम होगा, तो कोई तो है मेरा सहारा करने के लिए, पेट खराब होगा, कुछ होगा, क्या होगा, कोई तो देखेगा। तो अलग अलग लोगों का, व्यक्तियों का मनोवृत्ति होता है कि उनके मनोवृत्ति के अनुसार उनका डेफिनेशन ऑफ श्रम रहता है। वो अलग अलग स्थान निर्णय करते हैं जिससे उनका श्रम कम हो, इसलिए आश्रम, जिस स्थान पर रहने से आपका जीने का श्रम कम हो जाए। आश्रम मतलब जीने का श्रम, जीने के लिए ज्यादा श्रम करना भागवत में लिखा नहीं है। एनीवे, ये शरीर कितना भी आप ध्यान दीजिए, कितना भी खिलाइए, जैसे आज हमारा गौशाला में स्पेशल मुगलाई पराठा बना था, सब भक्त लोग 3-4 अच्छे से मुगलाई पराठा प्रसाद का आस्वादन किए हैं। जो हमारे सामने भी जो विद्यार्थी अभी भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी बहुत आनंद से मुगलाई पराठा का आस्वादन कर रहे थे। तो ये है कि श्रम मतलब लेबर। हमको हमारा शरीर को ध्यान करने के लिए ज्यादा लेबर करना नहीं चाहिए, आसानी से जो हो जाए। और आश्रम मतलब आसानी से, श्रम नहीं, ज्यादा कष्ट हमको नहीं उठाना चाहिए, आसानी से, जो आसानी से हो जाए। ओके, किसी को अगर लगता है शादीशुदा करके उसका भक्ति सही रहेगा, ठीक है, शादी करो पर भक्ति करो, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को लगता है अगर ब्रह्मचारी या सन्यासी बन के उसका भक्ति अच्छा चलेगा तो भक्ति करने के लिए ठीक है, सन्यासी बनो। शास्त्र बताता नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी बनाना है या सन्यासी बनाना है, गृहस्थ बनना है। शास्त्र बताता है कि भक्ति करना है। और जिस स्थान में आपको लग रहा है कि आपका श्रम कम होगा, श्रम मतलब कठिनाई, आसानी से आप वो स्थान में रह के भक्ति कर सकते हैं, वो आश्रम हमको चयन करना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के लिए वो सन्यासी ब्रह्मचारी आश्रम हो सकता है, किसी किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम हो सकता है, पर आश्रम मतलब श्रम कम होना चाहिए, आसानी से, कहां, जहां पे हमारा भगवान में मन लग सके। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी है कि एक छोटा बच्चा था, वो गांव में रहता था। एक दिन एक गांव में एक सन्यासी आए, और जब सन्यासी आए
बच्चा देखा सन्यासी जब गांव के कोने में ही पहुंचे थे, सब जगह ढेंडूरा पिटने लग गया, बाबा जी महाराज आ गए, बाबा जी महाराज आ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और तो और एक पलंग आ गया, पलंग के ऊपर महाराज जी को बैठा दिया गया और पलंग को उठा दिए चार लोग, और महाराज जी ऐसे बैठे हुए हैं, पलंग उड़ रहा है जैसे, मतलब चार लोग उठा के लेके जा रहे हैं, बाबा जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, ऐसे बोल बोल के आ गए। तो बाबा जी महाराज को हर दिन बहुत अच्छा अच्छा पकवान खिलाया गया, बाबा जी महाराज हर दिन शाम में क्लास लेते थे और सब लोग बाबा जी महाराज का बहुत गुणगान करते थे। एक जो बालक था गांव में रहता था, वो देखा, अरे वाह क्या कैरियर है बाबा, क्या कैरियर है, तो खाली खाली इधर उधर घूम के खा रहा है दिन भर, सब बोले और ये दबा दबा के खा रहे हैं बाबा जी महाराज, और सब लोग गुणगान कर रहे हैं, वाह महाराज जी और खाइए, और थोड़ा पराठा खाइए ना, और थोड़ा बाबा जी कम खाए आप, और थोड़ा आज खाइए, और इतना गुणगान कर रहे हैं और क्लास दे रहे हैं, सब ताली मार रहे हैं, क्या जीवन है। तो बालक सोचा इस तरह मेरे को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो बाबा जी महाराज के पास बालक आके बोलता है कि महाराज जी मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। महाराज बोले चलिए मैं चल रहा हूँ तो आप चलिए, पर रास्ते में रास्ते के लिए कुछ लेके नहीं जाना है, मैं खाली हाथ चलता रहता हूँ, तुम भी खाली हाथ चलो मेरे साथ, तुम भी बाबा जी बन जाएगा क्या है। तो बाबा जी महाराज का बात सुन के बालक बोला चलिए मैं, तो बाबा बालक को बोले कल सुबह मैं निकलूंग जाऊंगा इस गाँव से, तुम भी चलो मेरे साथ। तो महाराज निकल गए, बालक भी सुबह सुबह उठ गया था, महाराज के पीछे पीछे चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। सुबह हो गया, 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, बाबा जी महाराज कीर्तन करते करते चलते गए, चलते गए, चलते गए, 3 बज गया, 4 बज गया, बच्चे को तो बहुत भूख लग रहा है, बाबा जी महाराज को बोला कि महाराज जी खाने का क्या, ना जब कृष्ण भेजेंगे तब खाएंगे। तो बच्चा बोला कि कृष्ण कब भेजेगा, कब खाएंगे, जब भेजेंगे वो खाएंगे, तो चलते रहो। तो चलते चलते जब 5 बज गया, शाम का समय हो गया, बच्चा को तो अभी बोला कि महाराज जी कुछ खाना है, तो जब कृष्ण भेजेंगे तब खाएंगे। तो बच्चा बोला, बालक बोला कि महाराज जी मैं लेके आया था घर से 10 पराठा लेके आया था, आलू भाजा लेके आया था। तो ठीक है, महाराज जी बोले मैं स्नान करके आता हूँ फिर खाएंगे। तो महाराज जी स्नान करके आए, बैठ गए, बच्चे ने महाराज जी को परिवेशन किया, महाराज जी ने 4 पराठा खाया, बच्चे ने 6 पराठा खा लिया, और सब खाना पीना हो जाने के बाद महाराज जी बताए कि बच्चा अभी तुम वापस अपने गाँव में चले जाओ। बच्चा बोला अरे क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि पराठा कुछ भी लेके नहीं आना, तुमने पराठा लेके आए खाने के लिए, ना पराठा आप भी तो खाए ना, वो तो कृष्ण मेरे लिए भेजा है, क्योंकि कृष्ण को पता था ये जगह में कोई भेजेगा नहीं, इसलिए अरेंजमेंट किया था तुमको, तुमसे भेजा, अभी तुम चले जाओ क्योंकि तुमने लिया, तुम्हारे कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो हमको जहां पे जिस स्थान पे रह के हमारा श्रद्धा वृद्धि हो, और हमको ज्यादा कठिनाई करना ना पड़े भगवान को सोचने के लिए, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को आसानी से सोच सकता है भगवान के बारे में, तो उसको गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। कोई अगर सन्यासी बन के भगवान के बारे में सोच सकता है तो रहना चाहिए। तो श्रम कम होना चाहिए, भगवान के ऊपर भक्ति, भगवान के ऊपर हमारा मन ज्यादा लगना चाहिए, ये आश्रम का संज्ञा है, ये आश्रम का मतलब है। तो ये होगा जब हम एकजुट होकर रहते हैं, हमारा कठिनाई बढ़ेगा या कठिनाई कम होगा ये निर्भर करेगा कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है। जैसे पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह के उनका भक्ति बढ़ेगा या बढ़ेगा नहीं, ये निर्णय कैसे होगा, किस तरह पति पत्नी है। तो पति पत्नी को दो गृहस्थ आश्रम में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कोऑपरेशन
और है कंडक्ट। हर वक्त पति और पत्नी को या फिर कोई भी आश्रम में ब्रह्मचारी लोग जब ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, हर वक्त हमको सोचना चाहिए कि किस तरह मैं आश्रम में रह रहा हूं, मैं आश्रम का बर्डन नहीं बनके आश्रम को ब्लेसिंग्स बनूं। पति को हर वक्त सोचना चाहिए कि मैं पत्नी का बर्डन ना बन जाऊं। बाप रे पति देव आ गए, बाप रे अच्छा था नौकरी में जा रहे थे, अभी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, बाप रे दिन भर इधर ही बैठे हुए हैं, मेरे को परेशान कर देते। तो हस्बैंड शुड बिहेव एंड कोऑपरेट विद द वाइफ इन सच ए वे दैट ही डज नॉट बिकम ए बर्डन फॉर द हस्बैंड। एंड वाइफ ऑल्सो शुड बिहेव कंडक्ट इन सच ए वे दैट सी डज नॉट बिकम ए बर्डन फॉर द हस्बैंड। तब ना श्रम कम होगा, तब ना लेबर कम होगा, नहीं तो लेबर तो झगड़ा करने में चला जाएगा, भक्ति कब करेगा। पति कुछ बोलेगा तो पत्नी झगड़ा करेगा, पत्नी कुछ बोलेगा तो पति झगड़ा करेगा, झगड़ा में ही समय चला गया तो भक्ति में समय कहां रहेगा। तो अगर कोऑपरेशन और कंडक्ट से पति पत्नी या फिर जो आश्रम में रह रहे हैं वो अगर इस तरह अपना जीवन चलाएं तो क्या होगा, तो जीवन चलाने का जो चीजें हैं वो आसानी से हो जाएगा, तो फिर समय हमारा बचेगा। जैसे अगर खाना बनाना है, कुछ सब्जी काट देना है, पति देव अगर सब्जी काट देते हैं, पत्नी अगर खाना बनाते हैं, तो दोनों का समय बचेगा। एक उदाहरण बता रहा हूँ, साधारण सा उदाहरण बता रहा हूँ, तो दोनों का समय बचेगा। तो दोनों का जो समय बचा है बचेगा, दोनों फिर भगवान का नाम ले सकते हैं। पति बोलेगा नहीं, घर का काम तुम्हारा, बाहर का काम मेरा। तो जैसे ही ऐसे बोले कुछ भी समस्या होगा तो श्रम बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। तो इसीलिए पति और पत्नी या फिर कोई भी आश्रम में ब्रह्मचारी लोग सन्यासी लोग जब रहते हैं, हम अगर ये सोचेंगे कि मेरा जीवन किस तरह दूसरों के लिए बर्डन ना बन जाए, दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए, ये सोच के अगर जीवन यापन करेंगे तो आश्रम में श्रम कम हो जाएगा, लेबर कम होगा, और आसानी से जो भी आश्रम के सदस्य हैं भक्तिभावमय बन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सी दैट वेदर वी आर इन ए फैमिली और वी आर इन ए आश्रम वेयर वी आर स्टेइंग टुगेदर, वी शुड सी दैट वी डोंट बिकम बर्डन फॉर अदर्स, रादर वी शेयर द बर्डन ऑफ अदर्स। द हस्बैंड शुड ऑलवेज थिंक हाउ आई शुड शेयर द बर्डन ऑफ द वाइफ। श्रम मतलब बर्डन है कि नहीं, आश्रम मतलब जहां पे बर्डन नहीं है, बट आश्रम मतलब बर्डन लेस बनाने के लिए आश्रम। और क्यों बर्डन लेस बनाना है हमको उस स्थान को, ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं। बर्डन बनता रहेगा, पति अगर पत्नी से परेशान है, पत्नी अगर पति से परेशान है तो भक्ति कैसे करेगा। हरे कृष्ण कर रहा है और पत्नी सोच रहा है क्या नाला है, कितना मेरे को कष्ट दे रहे हैं, और पति हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और बोल रहे पत्नी के बारे में सोच रहे कहां से, मेरा बहुत बुरा कर्म था इससे शादी किया मैंने। तो बर्डन अगर बढ़ रहा है, और क्यों बर्डन बढ़ रहा है, बिकॉज देर इज नो प्रॉपर कंडक्ट, देर इज नो प्रॉपर कोऑपरेशन। If the people who are staying in ashram, whether it is brahmachari ashram where brahmacharis or sannyasis are staying together, or ya fir wo family hai jahan grihastha ashram hai jahan pe pati patni bacche ek sath reh rahe hain, agar har koi har sadasya ye sochta hai ki main dusre sadasya ke liye burden na ban jaun, dusre sadasya ke liye blessing banu, to wo ashram ban jata hai, aur us ashram mein भगवान का भक्ति आसानी से हो सकता है। तो ये आश्रम का डेफिनेशन है, आश्रयति इति आश्रम, आश्रम इति आश्रम, जहां पे भगवान को अपना मन लगाने में आसानी से हो जाए, क्योंकि हर सदस्य ये सोचता है कि किस तरह मैं आश्रम का बर्डन ना बन जाऊं, आश्रम के लिए ब्लेसिंग्स बन जाओ,
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम और ए कम्युनिटी और ए फैमिली जो भी हो। तो व्यास देव क्योंकि इस तरह रहते थे इसीलिए उनका घर को आश्रम कहलाया गया है। और हम आगे देखेंगे कि व्यास देव क्या करने लग गए। व्यास देव फिर बैठ के प्रणिधान मेडिटेशन करने लगे, सातवें अध्याय का चौथा श्लोक। व्यासदेव अभी मेडिटेशन कर रहे। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम् मायां च अपाश्रयाम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम् मायां च अपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले। तो व्यासदेव ने प्रणिहित मतलब ध्यान लगाया अपने प्रणिधान। हमने चर्चा किया था प्रणिधान के ऊपर। व्यासदेव ने ध्यान लगाया मन को, अपना मन को, पर किस तरह लगाया? भक्ति योगेन मनसि, जिस तरह नारद मुनि ने बताया था। क्योंकि नारद मुनि ने बताया था, मैंने भी ध्यान लगाने का कोशिश किया था बिना भक्ति का, मैं पूरी तरह फेल हुआ था, फिर उसके बाद में भक्ति चालू किया है कि नहीं? सुने थे उस कथा को, सुने थे प्रसंगों को, सुने थे। तो नारद मुनि का वचन अनुसार व्यास देव भी भक्ति के साथ अपना मन को भगवान में प्रणिधान या फिर ध्यान लगाने लग गए। और ध्यान लगाते ही वो क्या देखे? अपश्यात, पश्यात मतलब देखे। क्या देखे? पुरुषम पूर्णम, भगवान को देखे। भगवान का दर्शन हुआ उनका। और किसका दर्शन हुआ? मायां चद अपाश्रयम्, माया देवी का भी दर्शन हुआ, दोनों का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन हुआ, माधव का दर्शन हुआ और दुर्गा का दर्शन हुआ। इसीलिए पुरी में कहां कहां किस किस स्थान में दुर्गा माधव इनका भी उपासना होता है। हालांकि ये उपासना शास्त्र में वर्णित नहीं है, पर किस किस जगह पे दुर्गा माधव का भी विग्रह स्थापन किया गया है, पर शास्त्र में उसका पूजा अर्चना का विधि बताया नहीं गया है। भगवान व्यासदेव ने किसको देखा? माधव को देखा, कृष्ण को देखा और दुर्गा देवी को भी देखा। मायां चद तद अपाश्रयम्। तो ये हमको समझ में बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना कि नारद मुनि तो भगवान को ही देखे थे, माया देवी को नहीं देखे थे, पर व्यासदेव दोनों को क्यों देखे? व्यासदेव खाली भगवान का दर्शन नहीं कर रहे, भगवान के साथ माया का भी दर्शन कर रहे हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव का लक्ष्य क्या था? व्यासदेव का लक्ष्य, जिस तरह उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हमारे इधर पवन प्रभु हैं, पवन प्रभु बहुत बड़े मैथमेटिक्स टीचर हैं, बहुत बड़े, मतलब उनका गुणगान अभी किया जाए तो एक घंटा भी कम रहेगा, वो मैथमेटिक्स बहुत बड़े मैथमेटिक्स प्रोफेसर हैं। तो हमारे पवन प्रभु अगर एक किताब लिखने का कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स का, तो अगर एक किताब लिखने का कोशिश करेंगे तो पवन प्रभु क्या करेंगे? तो पहले क्या करेंगे? कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम रहेगा और उसका सलूशन रहेगा। ये वैसे क्या किताब है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैथमेटिक्स का किताब मतलब प्रॉब्लम रहेगा, और प्रॉब्लम को किस तरह आसान तरीके से पवन प्रभु अपना पवन टेक्निक यूज करके हवा में, पवन हवा होता है, हवा में प्रॉब्लम को उड़ा दिए और सल्यूशन ऐसे हवा की तरह आ गया, हवा की झोंके की तरह। ये दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर दिखाएंगे नहीं
तो सल्यूशन का गुणगान नहीं हो पाए, है कि नहीं? कि क्यों मैं पवन प्रभु का मैथमेटिक्स किताब पढ़ू? क्यों पढ़ू? क्योंकि पवन प्रभु का किताब में जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसका जो सल्यूशन पवन प्रभु बता रहे हैं, आहा, उस सल्यूशन पूरा शकरकंद की तरह मीठा है, बहुत आसानी से हो गया। जो प्रॉब्लम 3 पेज में बाकी किताबों में किया गया है, पवन प्रभु के किताब में 4 लाइन में पवन प्रभु ने उसको सॉल्व कर दिया। तब ना पवन प्रभु का किताब पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी लिए व्यासदेव भी चाहते थे कि सारे जीवन का समस्याओं का हल आसानी से हो जाए, पर जब तक समस्याओं का सोर्स सृष्टि कहां से हो रहा है उसको दिखाई नहीं दिया जाएगा तो समस्या का समाधान कैसे पता चलेगा? Until unless there is the problem statement, then the solution has no meaning. So इसीलिए व्यासदेव प्रॉब्लम भी देखे और सल्यूशन भी देखे, तब ना वो किताब कंप्लीट होगा, नहीं तो पवन प्रभु का किताब कौन खरीदेगा? मान लीजिए पवन प्रभु खाली सल्यूशन बता दिया और प्रॉब्लम ही नहीं है, तो किसका सल्यूशन बता रहा है, क्या बता रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मान लीजिए खाली पवन प्रभु प्रॉब्लम से भर दिए तो बोले अरे ये तो नकारात्मक किताब है, खाली प्रॉब्लम से भरा हुआ है, कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, है कि नहीं? तो बेस्ट बुक इज विच गिव्स द प्रॉब्लम ऑल्सो, विच डिफाइन्स द प्रॉब्लम नाइसली एंड विच गिव्स अ वेरी इजी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट्स कंसिडर द बेस्ट बुक। सही किताब, सही ग्रंथ जो होता है वो है, ये है जो समस्या को सही तरीके से वर्णन करता है कि ये समस्या है, क्योंकि आधे लोग समस्या को ही समझ नहीं पाते। जैसे कभी कभी मैं जब पहले पहले जमाने में पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, बहुत दिन पहले की बात है, तो मैं प्रॉब्लम लिखता था तो कुछ कुछ बच्चे तो प्रॉब्लम ही समझ नहीं पाते थे, क्या लिखा है सर, क्या है ये, 15 मिनट बैठे रहते थे कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या इधर इसका वो हो गया, उसका ये हो गया वो हो गया, फिर मेरे को 15 मिनट उनको प्रॉब्लम समझाना पड़ता था कि ये है, तो तुरंत वो लिख देते थे सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम अगर समझ जाते हैं तो दो चीज होता है, एक तो होता है कि सॉल्यूशन को हम अच्छे से समझ पाते हैं, और दूसरा चीज होता है कि जब सॉल्यूशन सुनते हैं तो सॉल्यूशन जो दे रहा है उसके प्रति और कृतज्ञ हो जाते हैं, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉब्लम सुनना जितना महत्वपूर्ण है उससे सॉल्यूशन अगर अच्छा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि कोई अगर डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर है तो जब तक डॉक्टर अच्छे से बीमारी के बारे में आपको बताएगा नहीं कि आपको ये बीमारी हो गया है, और अच्छे से आपको समझाएगा नहीं कि ये बीमारी है ये है, तब तक आप मेडिसिन सीरियसली नहीं लेंगे। यू विल टेक द मेडिसिन वेरी चीपली, कैजुअली, हाँ ठीक है डॉक्टर कुछ कुछ बताता है, बट डॉक्टर पहले क्या करता है, समझाता है कि आपको ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है, अगर सही से नहीं करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, कैंसर होने की भी डर है। तो आप तो कैंसर हो जाएगा मेरे को, हाँ ये बीमारी बहुत छोटा लगता है पर ये कैंसर भी हो सकता है, तो तुरंत आप वो मेडिसिन को तीव्रता से लेंगे। उसी तरह व्यासदेव पहले डिफाइन कर रहे हैं कि समस्या माया से आ रहा है और समाधान कृष्ण से आएगा, ये भागवत बताएगा। भागवत क्या बताएगा कि सारा जीवन का समस्या भगवान को भूलने, माया मतलब क्या है, भगवान को भूलना। द ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड आर हैव अराइजन ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, माया, माया मतलब
कृष्ण को भूलना एंड ऑल द सॉल्यूशंस कैन कम बाय रिमेंबरिंग कृष्ण. तो इसीलिए व्यास देव माया को भी दर्शन किए और कृष्ण को भी दर्शन किए. कृष्ण इज सॉल्यूशन, माया इज द प्रॉब्लम. और दूसरा चीज हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि मायाम, देखिए फोर्थ लाइन देखिए, मायाम चतत अपाश्रयम. अपाश्रयम, आश्रयम अपाश्रयम. माया का डेफिनेशन व्यासदेव एक वर्ड में दे दिए हैं. देखिए अपाश्रयम, आश्रय मतलब शरण लेना, अपाश्रय मतलब जो शरण लेने में आपको बाधा क्रिएट करे. जैसे अपराधा, अपराध समझते हैं ना, अपराधा, राधा अपगत इति अपराध. राधा रानी का कृपा से आपको वंचित करवाने वाला चीज वो है अपराध. अगर वैष्णव अपराध करेंगे राधा रानी का कृपा आपको मिलेगा नहीं, इसका डेफिनेशन है अपराध. उसी तरह अपाश्रय, मायाम चदत अपाश्रय मतलब अपाश्रय. माया देवी का डेफिनेशन है भगवान का आश्रय में बाधा क्रिएट करना, भगवान को भुलाने में आपको आसानी क्रिएट करना, उपादान सामग्री देना. किस तरह आसानी से आप भगवान को भूल सकें, किस तरह आसानी से आप भगवान का आश्रय छोड़ सकें. अपाश्रयम, अप मतलब छोड़ना, आश्रय मतलब भगवान का आश्रय. माया का डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ माया इज अपाश्रय. भगवान का आश्रय को किस तरह आप को छुड़वाएगा और अपना दास बनाएगा, यह है अपाश्रय. पर यह है कि भगवान का शक्ति है माया देवी. हालांकि माया देवी भगवान को हमको भगवान को बुलाने में सहायता करता है, करती है, पर यह भगवान की ही शक्ति है. भगवान से ही ये शक्ति हमको मिला, भगवान ही, हरे कृष्ण, भगवान से ही हमको ये शक्ति मिला है. भगवान ही माया देवी को आदेश देते हैं कि जीवात्मा को भुलाओ. क्यों? क्योंकि हमने इच्छा किया है भगवान को भूलने के लिए. तो भगवान की माया शक्ति का भी दर्शन किए. भगवान की दो तरह की माया शक्ति है, एक है अंतरंग माया जिसका और एक नाम है योग माया, और एक है बहिरंग माया जो है महामाया या फिर दुर्गा देवी. अंतरंग माया योग माया की देवी है श्रीमती राधा रानी, और महामाया की देवी स्वरूप है दुर्गा देवी. महामाया का जॉब डेफिनेशन है भगवान का आश्रय से आपको भुलाना, और राधा रानी का योग माया का जॉब डिस्क्रिप्शन है भगवान का आश्रय आपको अच्छे से दिलवाना. तो ये भगवान की शक्तियां हैं. जैसे ये जीवात्मा, हम सब भगवान की धाम में नहीं रहना चाहते हैं, भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान हमको माया देवी के अंडर में डाल देते हैं, जो हमको अनेक अनेक सामग्री बताते हैं, देते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और फिर आईपीएल, और फिर और बहुत सारे इस तरह सामग्री हमको टेलीविजन, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अलग अलग लिंक्डइन, और क्या क्या आता है इस दुनिया में पता नहीं. तो ये सब चीज़ों से आसान तरीके से हम, कभी कभी लोग तो फेसबुक में इतने घुस जाते हैं कि दिन का 6-7 घंटा चला जाता है, पता ही नहीं चलता हमको, ये माया है, सब भूल जाते हैं. जब बचा हुआ है पर फेसबुक में है बेचारा, फेसबुक में ऑनलाइन है पूरा, अब जब कैसे होगा, ये माया है. तो ये सब माया का एजेंट्स हैं, हमको इन सबको
केयरफुली यूज करना चाहिए, केवल भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए, नहीं तो हम पूरा इस हमारा जीवन इसी में ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा कृष्ण को हम भूल जाएंगे। व्यास देव देखे कि माया ही भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति होके भगवान को भुलाने में जीवात्माओं को मदद करती है। और जब जीवात्माओं को पता चल जाएगा इस भगवान की माया, तो जीवात्मा भगवान की शरण अच्छे से ले सकते हैं। तो व्यासदेव सॉ द प्रॉब्लम एंड व्यासदेव सॉ द सॉल्यूशन आल्सो। नेक्स्ट श्लोक, यया समोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते नर्थम् तत्कृतं चाभिपत्यते यया समोहितो जीवा। अभी व्यासदेव प्रॉब्लम डेफिनेशन बता रहे हैं ये श्लोक में, माया का जो प्रॉब्लम है, किस तरह माया देवी क्या करती है उसके बारे में व्यासदेव बता रहे हैं। यया सम्मोहितो जीवा, माया देवी का डेफिनेशन क्या है, सम्मोहितो, जीवों को सम्मोहन करती है माया देवी। सम्मोहन मतलब, मोहन मतलब मोहित करना, सम्मोहन मतलब सम्यक रूपेण मोहित करना, मतलब माया देवी जीवात्मा को भुलाती है और ये भी भुला देती है कि वो भूल गए हैं। सारे जीवात्माओं को पता चलता है कि मैं कहां भूला हूं, मैं तो सब सही हूं। मतलब माया देवी ऐसे काम कार्य करती है कि जो बीमार व्यक्ति है वो मेडिसिन खाया नहीं है, पर बीमार व्यक्ति को समझा बुझा के बता दे, तुम तो अभी मेडिसिन खाया, तुम मेडिसिन खाए, तुम ठीक है, सही है। तो सबसे खराब क्या हो सकता है बीमार व्यक्ति के लिए, जब वो सोचता है कि वो बीमारी नहीं है। तो इसीलिए सम्मोहितो, माया देवी ना खाली मोहित करती है, माया देवी सबको बताती है कि तुम्हारा कुछ समस्या नहीं है, इसी का मतलब है सम्मोहितो। माया कवर्स ऑल ऑफ अस एंड ऑल्सो कवर्स द कवर, मतलब हमको ऐसे ढक देती है कि हम सोचते हैं हम कहां ढके हुए हैं, हम तो अच्छे से हैं। हमको माया देवी बांध के रखी है, पर ऐसे बांध के रखी है कि हम सब जीवात्मा सोचते हैं कि मैं कहां बंधा हुआ, मैं तो फ्री हूं, आई एम ए फ्री बर्ड, यू सी आई एम ए कूल मैन, फ्री बर्ड रोमिंग हियर एंड देयर। तो ये माया देवी है सम्मोहितो, मतलब सम्यक रूपेण, कंप्लीटली इल्यूजन। ऑल द लिविंग एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड, व्हाट दे थिंक, मैं कहां बंधा हुआ, आई एम सो ग्रेट। एक छोटा सा वायरस इतना परेशानी क्रिएट कर दिया है, होल वर्ल्ड इज लॉक्ड डाउन, बट होल वर्ल्ड इज थिंकिंग हम तो बहुत बड़े हैं। माया देवी का छोटू सा एजेंट है ये, दिस इज कॉल्ड सम्मोहन। कि माया देवी डज नॉट जस्ट कवर्स अस, हमको खाली ढकती नहीं है, हमको कन्विंस भी कर देती है कि तुम ढका हुआ नहीं है, तुम बहुत बड़ा आदमी, मैं तुमको ढका नहीं, तुम तो बहुत बड़ा आदमी, तुम तो बहुत होशियार है, हमको पूरा नालायक बना के रखी है माया देवी, पर हमको कन्विंस कर देती है कि वी आर वेरी ग्रेट। तो दिस इज कॉल्ड सम्मोहन, वी आर कंप्लीटली बाउंड बट वी थिंक वी आर कंप्लीटली फ्री, दिस इज कॉल्ड सम्मोहन। मोहित मतलब क्या होगा, वेन वी आर बाउंड वी नो दैट वी आर बाउंड, सम्मोहित मतलब वी आर बाउंड वी नो दैट वी आर फ्री, we are fully diseased but we think we are fully cured, we are fully blind we think we are fully, we are hum acche se dekh rahe hain, kya dekh rahe hain, we are fully blind, humko sunai nahi de raha hai, par maya devi sammohit kar dete hain, acche se sunai de raha hai। To ye hai sammohan, maya devi ka sammohan hai, isliye sammohan shabd use kiya gaya hai।
आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम। और ये सम्मोहन से क्या होता है, आत्मा जो आत्मा है, हम सब जीवात्मा हैं, हम अपने आप को त्रिन गुण से बने हुए शरीर जैसा मान लेते हैं। आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, वो अपने आप को क्या मानता है, मैं ये तीन गुण से ये शरीर बना हूं। जिस तरह उदाहरण स्वरूप कि कोई अगर वीडियो गेम खेलता है, कभी कभी ऐसे पूरा वर्चुअल रियलिटी में कोई कोई ऐसे 3D गेम खेलता है, तो उसके अंदर पूरा प्रवेश कर लेता है, और उसके अंदर कभी कभी उसका शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर बीवी मर जाता है, वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। आजकल पबजी खेलते हैं और कुछ भी खेलते हैं, उसके अंदर उनका पिटाई होता है, वो होता है, शादी हो जाता है, और क्या बच्चे भी हो जाते हैं। और मान लीजिए वीडियो गेम के अंदर शादी हो गया था और बीवी मर गई एक्सीडेंट में, और वो रो रहा है, मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी, तो क्या उसको बोलेंगे? आप सब देखे हंस रहे हैं, तो उसी तरह हंसेंगे। तो उसी तरह भगवान भी हंसते हैं जब हम इधर रोते हैं। हमको लगे यार भगवान क्यों हंसते हैं, हम जब रोते हैं तो भगवान ऐसे हंसते हैं क्यों, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं अभी, अरे वो सोच रहा है उसका बीवी मर गया, कौन मरा है, कौन बीवी है तेरा, कौन बच्चा है तेरा, कौन मरा है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ मरने पे आप रोइए मत, ये मैं नहीं बता रहा हूँ पर हमको ये सोचना चाहिए जीवात्मा किस तरह मोहित हो गया है। जिस तरह वीडियो गेम खेलते समय एक व्यक्ति प्रवेश कर लेता है और सोचता है कि ये मेरा दुनिया है, उस तरह आत्मा भगवत धाम छोड़ के इस दुनिया में प्रवेश किया है और सोच रहा है यही मेरा दुनिया है, तो ये है सम्मोहन। तो यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते। परोपि जीवात्मा परा है, इस दुनिया से परे है, तीन गुण से परे है, पर वो क्या मान रहा है, मनुते, सोच रहा है कि मैं ये तीन गुण के अधीन हूं। तत्कृतम अनर्थम, ये अनर्थ है, हम बताते हैं ना हमारे हृदय का अनर्थ, यही अनर्थ है। प्रथम अनर्थ क्या है, जब जीवात्मा अपने आप को गलत समझ बैठ, जैसे ही हम अपने आप को गलत समझ बैठते हैं वो है अनर्थ। और उस अनर्थ से तीन चीज पैदा होता है जो आगे जाके बता रहे हैं। वो अनर्थ जब हम अपने आप को गलत समझ बैठते हैं कि हम आत्मा हैं और हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, तो उससे तीन चीज पैदा होता है। वो सातवें श्लोक में व्यासदेव बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सातवें स्कंद सत अध्याय का सातवां श्लोक। यस्यां वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। तो तीन चीज चालू होता है, तीन चीज पता चलता है कि जैसे ही हम आत्मा अपने आप को शरीर मान लेता है तो तीन चीज पैदा होता है उससे। एक होता है शोक, दुख, खोने का दुख, शरीर को खोने का दुख, धन को खोने का दुख, अपना स्वास्थ्य को खोने का दुख। आत्मा का क्या स्वास्थ्य होता है, आत्मा तो हर वक्त सुस्त है, शरीर का स्वास्थ्य होता है, पर स्वास्थ्य खोने का दुख, धन खोने का दुख, शोक मतलब दुख, भया मेरा खो जाएगा क्या, मैं मर जाऊंगा क्या, अरे तुम मरेगा नहीं रे, तुम मरेगा नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, पर लोग डरे हुए हैं, क्या क्या किससे डरे हुए हैं, मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो शरीर से ये तीन चीज पैदा होता है, शोक पैदा होता है, भय पैदा होता है, लैमेंटेशन, शोक मतलब लैमेंटेशन अबाउट पास्ट, मैंने ये सब खो दिया पास्ट में, भय अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, कोरोना मेरे को अटैक कर दिया, मैं मर गया तो क्या होगा मेरा, हाँ कैसा हो जाएगा, भय। और मोह अबाउट प्रेजेंट, बिकॉज वी आर मोहित अबाउट प्रेजेंट, वी आर थिंकिंग वी आर दिस बॉडी, दैट इज वाई शोक एंड भय हैज अफेक्टेड अस।
और जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं कृष्ण परम पुरुष से, ये भागवत भगवान के बारे में है, और जैसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं ये तीन चीज जो हमारे हृदय में अनर्थ है, शोक मोह और भय, तुरंत भाग के चला जाता है और हमारे हृदय में भक्ति जागृत होता है, भय जागृत होता है। पर हम देखते हैं भागवत में अलग अलग लीलाओं में प्रहलाद महाराज भय किए क्या? हिरण्यकशिपु सारे देवता लोग उनको भय करते थे पर प्रहलाद महाराज भय नहीं किए। पांडव लोग भय किए क्या? भय नहीं किए। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि स्वयं उनको आक्रमण किए, एक बेताल क्रिएट किए, सृष्टि किए अम्बरीश महाराज को आक्रमण करने के लिए, फिर भी अम्बरीश महाराज डरे नहीं। और शोक, हम क्या खोए? भगवान चाहे हमको सब कुछ दे सकते हैं। भगवान ने सुदामा को क्या नहीं दिया? भगवान ने पांडव लोगों को क्या नहीं दिया? तो इसीलिए हम अगर भागवत की लीलाओं को श्रवण करेंगे तो हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और भगवान के प्रति अगर श्रद्धा और प्रेम बढ़ेगा हमारा शोक मोह और भय चला जाएगा। इसीलिए छठवें श्लोक में देखिए, अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जनोतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। इसीलिए व्यासदेव ने ये भागवत की रचना किया। भागवत की रचना से क्या हुआ? सात्वत संहिता से भगवान के बारे में हम जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हमारे जीवन में शोक मोह और भय चला जाता है। तो हम आशा करेंगे कि अगले कक्षा में भागवत का श्रवण हम लगातार करते रहें ताकि हमारे जीवन से शोक मोह और भय चला जाए, और हमारा जो असाइनमेंट रहेगा उसमें इसके ऊपर चर्चा रहेगा, आप सब उसको ध्यान से करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद्भागवतम की।